हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम विशाल शर्मा है और आपका दी यूनिक एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो अगला मॉडल है वो है शुड। सो हम देखते हैं हम शुड का यूज कैसे कर सकते हैं। इसका तो सबसे पहला यूज है सजेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, हम अगर किसी को सजेशन देते हैं तो उसमें हम शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना, कठिन जो पढ़ाई है वो करनी चाहिए। इसके बाद इसका दूसरा यूज है वो है मॉरल ड्यूटी के लिए। जैसे कि वी शुड सर्व और कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। सो इसमें भी फ्रेंड्स, अगर हम मॉरल ड्यूटी को शो करना चाहते हैं तो हम शुड का यूज कर सकते हैं। और इसका तीसरा यूज है वो है कोइंसिडेंस। मतलब फ्रेंड्स, अगर कोइंसिडेंस जो होता है उसके लिए भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इफ यू शुड मीट हिम, यू विल टेल हिम टू कॉल मी। मतलब फ्रेंड्स, अगर तुम उससे मिलते हो तो तुम उसे मुझे कॉल करने के लिए कहोगे। इसमें कोइंसिडेंस की बात हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम कैसे कर सकते हैं। सो वी यूज दिस एक्सप्रेशन व्हेन वी वांट टू शो दैट इट वाज द मॉरल ड्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन बट द सब्जेक्ट कुड नॉट परफॉर्म इट। मतलब फ्रेंड्स, अगर शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम तब कर सकते हैं जब हम ये शो करना चाहते हैं कि सब्जेक्ट को किसी काम को करना चाहिए था लेकिन सब्जेक्ट ने उस काम को नहीं किया, उसकी मॉरल ड्यूटी थी, फिर भी उसने ये काम नहीं किया। जैसे कि ही इज योर फ्रेंड, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। वह तुम्हारा मित्र था, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। तो हम जब भी ऐसा सेंस आता है कि चाहिए थी, चाहिए था, तो उस सेंस में हम शुड हैव का यूज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम बचे हुए मॉडल्स को अगली क्लास में करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू गाइस।